दोस्तों कण में अच्छाइयां भी थी तो बुराइयां भी। यदि कण थोड़ा बहुत सोचते तो कौरव पक्ष महाभारत का युद्ध जीत सकते थे। कर्ण के पास अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली धनुष और बाण थे और सबसे ज्यादा उसमें शक्तियां थी। कर्ण के विजय धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। लेकिन क्या करें, यहां तो सब श्री कृष्ण की लीला ही थी जिसके कारण सभी की मति मारी गई। अब कैसे, तो आइए जानते हैं कर्ण की 5 गलतियां। नंबर 1, कवच और कुंडल। दोस्तों भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। तब देवराज इंद्र और कृष्ण ने मिलकर छल से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। लेकिन काल पुरुष की आकाशवाणी के कारण इंद्र को कवच कुंडल के एवज में अपना अमोघ अस्त्र देना पड़ा। यह अमोघ अस्त्र एक बार ही चला सकते थे जिससे शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो वो मारा ही जाता। नंबर 2, अमोघ अस्त्र। दोस्तों कर्ण ने इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था लेकिन वरदान के अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। यदि कर्ण यह कार्य नहीं करता तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। नंबर 3, परशुराम से झूठ बोला। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहता था तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। जब परशुराम को यह पता चला तो उन्होंने क्रोधित कर्ण को शाप दे दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। और हुआ भी यही। नंबर 4, कुंती को दिया वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी मां है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक अपना सारा जीवन बिताया है उनके साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे। इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माता तुम जानती हो कि कर्ण के यहां याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। नंबर 5, ब्राह्मण का शाप। लोक कथाओं के अनुसार परशुराम जी के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण वन में भटक रहे थे। इस दौरान वे शब्द वेदी विद्या सीख रहे थे। एक दिन जब इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे तब उन्होंने एक गाय के बछड़े को अन्य वन्य पशु समझकर शब्द भेदी बाण चला दिया और उस बाण से बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय बछड़े को मारा है वैसे ही एक दिन वह भी तब मारा जाएगा जबकि वह खुद को असहाय महसूस करेगा और उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर ही होगा। और हुआ भी वही। दोस्तों आपका महाभारत से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। आप 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।